डीजल पेट्रोल और गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि होने के बाद जहां लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को चलाना मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते इन वाहनों को चलाने के लिए बेधड़ल्ले से घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ने ऐसे ही कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है जो घरेलू गैस को वाहनों में डाल रहे थे। गोहलपुर पुलिस को जब इस बात की जानकारी लगी कि गोहलपुर इलाके में कुछ लोगों द्वारा कार, ऑटो और अन्य वाहनों में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की घरेलू गैस को अवैध तरीके से रिफिल कर रहे हैं, जानकारी लगते ही पुलिस ने संबंधित क्षेत्रों में दबिश देकर चार लोगों को गिरफ्तार किया है और 20 सिलेंडर भी जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस और भी पूछताछ कर रही है ताकि उन लोगों का पता लगाया जा सके जो अवैध तरीके से वाहनों में गैस रिफिलिंग का कार्य कर रहे हैं, ताकि इनकी वजह से आम आदमी को घरेलू गैस मिलने में आ रही कठिनाइयों को कम किया जा सके। आज दिनांक को थाना गोहलपुर पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से गैस से चलने वाले ऑटो में भरी जाने वाली LPG गैस भरने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 5 स्थानों पर दबिश दी गई है और 5 प्रकरण अवैध रूप से गैस भरने के संबंध में दर्ज किए गए हैं। करीब 20 सिलेंडर और बाकी उपकरण इसमें जब्त किए गए हैं। वैधानिक कार्रवाई की गई है, इसमें अग्रिम जांच भी की जा रही है और उसमें जो भी और दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।